हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम देखने वाले इस वीडियो में ए से लेकर के जेड तक पूरे शॉर्टकट की बारे में, मतलब जितना शॉर्टकट की है उन सभी के बारे में। तो वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो आपका काम जल्दी जल्दी होगा अगर आपको सारे शॉर्टकट की पता होंगे तब। अब यहाँ देखिए, कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल होगा, यानी जो आपका कंटेंट है वो पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल बी से क्या होता है, आपका कंटेंट यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा। और कंट्रोल सी से क्या होगा, आपका कंटेंट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ लिखते हैं कंट्रोल बी, तो जो आपने ऊपर कॉपी किया वही आपका यहाँ पे दोबारा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए लिखा गया है, जैसे मान लीजिए आशुतोष मेरा नाम है। अब आशुतोष यहाँ लिखा मैंने, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल हुआ, जैसे मैंने यहाँ लिखा कंट्रोल बी, फिर यहाँ पर हो जाएगा आशुतोष। अब यहाँ देखिए कंट्रोल एक्स क्या होता है, कट हो जाता है, यानी कि कॉपी में क्या होता था कि कॉपी में जो आपने कंटेंट कॉपी किया वो पहले यहाँ मौजूद रहेगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कंट्रोल डी, इससे क्या होगा, जो आपका पूरा फॉन्ट स्टाइल है पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस सी, इससे क्या होता है, जो आपका कॉन्टेंट है वो कॉन्टेंट सेंटर में हो जाएगा। जैसे मैं लिखा आशुतोष और आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते हैं, तो आशुतोष यहाँ पे सेंटर में चला जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस एफ, इससे क्या होता है, जो आपका टेस्ट है उस टेस्ट को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। कंट्रोल जी से क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पेज होगा उन सभी पेज को आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। कंट्रोल एस से क्या होगा, जो आपका एरर है, जो आपका यहाँ गलती है, उस गलती को फाइंड कर सकते हो और उसको यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक, जैसे मैंने यहाँ लिखा वीडियो और वीडियो के स्थान पे मुझे लिखना एडियो, तो आप यहाँ इसको फाइंड करो और यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो। कंट्रोल आई से क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है यहाँ पे टैलिक में हो जाएगा। और यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस जे, इससे क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है एक बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जस्टिफाई, इसका मतलब क्या होगा कि सभी यहाँ पर एक बराबर ऐसे हो जाएंगे, इस टाइप से एक बराबर ऐसे पूरा रहेगा कॉन्टेंट। ठीक, कंट्रोल प्लस के, इससे क्या होगा कि आप किसी भी लिंक को इंसर्ट कर सकते हो, डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एल से क्या होगा, जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पे लेफ्ट में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम, इससे क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है वो राइट में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आप यहाँ पे कोई भी इमेज डाल सकते हो। आपने यहाँ पे न्यूज़ देखा होगा, तो न्यूज़ में बहुत सारे लोग यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। एक सेकंड, कंट्रोल प्लस एम का यानी कि पैराग्राफ इंडेंट, इससे क्या होता है कि आप यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इमेज को डाल सकते हो, लगा सकते हो। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस एन, इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे नए पेज को ओपन कर सकते हो, एक न्यू पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है कि आप इसका उपयोग करेंगे प्रिंट के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस क्यू, इससे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ इंडेंट था यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो आपने यहाँ पे इमेज कोई जोड़ा था ये इमेज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक, और जो आपका कंटेंट है पहले के बराबर हो जाएगा, यानी कि आप इसे क्या कर सकते हो, उस पैराग्राफ इंडेंट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। और यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस आर, इससे क्या होगा, जो आपका यहाँ पे कंटेंट है वो यहाँ पे राइट में अलाइन हो जाएगा, मतलब इस साइड में। ठीक, अब आगे देखिए कंट्रोल प्लस यस, इससे क्या होगा, सेव करने के लिए, सेव करने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। टी से क्या होगा, कंट्रोल प्लस टी से, कि जो आपका कंटेंट है ऊपर यहाँ पे वो यहाँ पे सेम रहेगा और नीचे वाला कंटेंट यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कंट्रोल प्लस यू, इसका मतलब क्या होता है, अंडरलाइन, कोई नाम यहाँ पे लिखा गया है, कोई यहाँ पे कंटेंट है, उस कंटेंट के नीचे आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस सबसे पहले आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे जिसको आपको यहाँ पे करना है, तब ये सारी प्रोसेस यहाँ पे काम करेंगी। कंट्रोल ई हो गया, कंट्रोल यू हो गया, कंट्रोल टी हो गया, कंट्रोल एस हो गया, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ देखिए कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग करेंगे रेडो के लिए, और यहाँ पे कंट्रोल जेड का प्रयोग करेंगे अंडू के लिए। कंट्रोल प्लस जेड, इसका उपयोग होगा अंडू के लिए, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप अपने कॉन्टेंट को देखना चाहते हो कि मैंने पीछे क्या लिखा, यानी कंट्रोल प्लस जेड आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से वो ओपन हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये सारे जो आपका की हैं बहुत ही यूजफुल हैं, अगर आप एम एस वर्ड में काम करते हो तो आपका जो प्रोसेस है काम करने का बहुत ही जल्दी जल्दी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।